नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अविनाश साबले की। अविनाश साबले ने अपने पर्सनल बेस्ट में सुधार करते हुए मैन 3000 मीटर स्टेपलिचिस के मुकाबले में 8 मिनट 9 सेकंड समय के साथ इस ओलंपिक में एक कड़ा मुकाबला देने की तैयारी कर ली है। अविनाश साबले ने अपना पर्सनल बेस्ट पेरिस डायमंड लीग में बनाया था। इस लीग में दुनिया के टॉप क्लास के खिलाड़ी अपने अपने इवेंट में भाग लेते हैं और अविनाश साबले यहाँ पर 6th पोजीशन पर रहे थे। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि पेरिस ओलंपिक में अविनाश साबले अपने प्रदर्शन को सुधार कर और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मैन 3000 मीटर स्टेपलिचिस में कुल 36 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। राउंड वन के मुकाबले 5 अगस्त को होंगे। इस मुकाबले का वर्ल्ड रिकॉर्ड इथोपियन खिलाड़ी के नाम है 7 मिनट 52 सेकंड के साथ। वहीं ओलंपिक रिकॉर्ड कीनिया के खिलाड़ी के नाम है 8 मिनट 3 सेकंड के साथ। अविनाश साबले को सबसे ज़्यादा चुनौती इथोपिया और कीनिया के खिलाड़ियों से मिल सकती है। उम्मीद करते हैं अविनाश साबले मैन 3000 मीटर स्टेपलिचिस के मुकाबले में बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।